बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। जी नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। देखिए, नमाज ईद उल फितर अदा करना और इसको आसान तरीके से अदा करना, ये सब के लिए जरूरी है। और नमाज ईद उल फितर ये वाजिब है, इसको तर्क करना ये गुनाह है। लेकिन कुछ अहबाब ऐसे होते हैं कि जो ला इल्मी की वजह से नमाज ईद अदा तो कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी नमाज ईद नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर वो एक बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। और सिर्फ यहाँ गलती नहीं, क्योंकि ला इल्मी है तो जहां जहां वो चीज पाई जाएगी, वो इल्म ना होने की वजह से गलतियां करते जाएंगे। यही गलती वो फर्ज नमाज के अंदर भी करते हैं, जब नमाज जनाजा अदा करते हैं तो उस वक्त भी ये गलती करते हैं, और जब नमाज ईद अदा करते हैं तो उस वक्त भी वो गलती करते हैं। गलती बहुत बड़ी है। देखिए, जब इंसान नमाज अदा करता है तो नमाज के अंदर कुछ फराइज होते हैं, कुछ वाजिबात होते हैं, कुछ सुनन होती हैं, कुछ मुस्तहबात होते हैं और कुछ मुबाह चीजें होती हैं। लेकिन जो फराइज और वाजिबात हैं, इनका ख्याल रखना ये जरूरी होता है। अब मैं आपको जो मेन चीज है वो बताने जा रहा हूं। देखिए, तकबीरात कहना ये वाजिब होती है। अब तकबीरात से मुराद यानी सबसे पहले जो तकबीर तहरीमा है वो फराइज नमाज के अंदर भी होती है, वो ईद उल फितर या ईद उल अजहा पढ़नी हो तब भी होती है। और इसके अलावा अगर कोई भी नमाज पढ़े यानी नमाज जनाजा पढ़ रहे हो तो फिर भी जो तकबीर तहरीमा होती है उसको वाजिब होती है। अब मेन गलती क्या होती है? गलती ये होती है कि लोग जब तकबीर कहते हैं तो कुछ तो मुंह में ही सिर्फ अल्लाहु अकबर कह देते हैं और कुछ दिल में ही कह देते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि जब भी तकबीर कहनी है और तकबीर तहरीमा कहनी है तो उस वक्त इतनी आवाज निकालना ये जरूरी है कि उसके अपने कान सुन सकें। लेकिन अगर कोई शख्स मुंह में बोल देता है और उसके अपने कान नहीं सुनते, या दिल में कह लेता है और उसके अपने कान नहीं सुनते, तो उसकी नमाज शुरू ही नहीं होगी। और अगर उसने तकबीर तहरीमा कहते वक्त तो इतनी आवाज निकाल ली, लेकिन इसके अलावा जो ईद उल फितर की दूसरी तकबीरात हैं, जो जायद 6 तकबीरें कही जाती हैं, या नमाज जनाजा के अंदर जो तकबीरात कही जाती हैं, उनके अंदर भी इतनी आवाज निकालना ये वाजिब है कि उसके अपने कान सुन सकें। अगर वो इतनी आवाज नहीं निकालता तो उसकी तरफ से वो तकबीरात नहीं होंगी और उसका वो नमाज ईद अदा करना या वो नमाज जनाजा अदा करना ये जायज नहीं होगा। जायज ना होने से मुराद कि उसकी तरफ से ये अदा नहीं होगा और उसका इंतहाई आहस्ता आवाज में बोलना ये जायज नहीं, बल्कि इतनी आवाज निकालना जरूरी है कि उसके अपने कान सुन सके, फिर जाकर उसकी नमाज अदा होगी। अब अगर कोई नमाज ईद उल फितर पढ़े और उसके अंदर जो जायद 6 तकबीरात हैं उनको वो मुंह में कहता है या दिल में कहता है और उसके कान नहीं सुनते, तो उसकी नमाज ईद अदा नहीं होगी। तो इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है, जब भी जो तकबीरात वाजिबा होती हैं उसके अंदर इतनी आवाज जरूर निकालनी है कि आपके अपने कान सुन सके। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ आ गया होगा। अगर अच्छी बात लगी है तो कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब पर रहम करम फरमाए।